सो गाइस, पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली बात, आई एम रियली रियली सॉरी इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं आई, बिकॉज मेरा लैपटॉप जो है उसमें बैटरी का इशू आ रहा था बहुत टाइम से, एंड वारंटी के अंडर था तो मैं दे सकता था रिपेयर करने के लिए पहले भी, बट ये था कि मुझे पता था मैं वारंटी सर्विस सेंटर पे दूंगा तो 3-4 दिन वो लैपटॉप रख लेंगे, और 3-4 दिन विदाउट लैपटॉप भाई मेरा काम तो ऐसे नहीं चलेगा, तो मैं टाल रहा था, ठीक है, टाल रहा था। फिर मैंने अभी चेक करा लाइक लास्ट वीक कि मेरे लैपटॉप की वारंटी का लास्ट वीक बचा है, मतलब एक हफ्ते के बाद मैं दूंगा तो मेरे को पैसे लगेंगे ठीक कराने के लैपटॉप। तो मैं दे के आया लैपटॉप और पिछले एक वीक से मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, हैंस नो वीडियोज। ऑल्दो मैंने अपने किसी दोस्त से एस्थेटिक योगी शाउट आउट टू हिम, उसने मुझे अपना लैपटॉप दिया ताकि मैं एटलीस्ट अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स के ईमेल्स का रिप्लाई कर पाऊँ, बट किसी के पास भी इतना सेक्सी लैपटॉप नहीं है जिसमें मेरे लाइक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चल जाए, इसलिए आई एम सॉरी फॉर द डिले। मैंने भी बहुत मिस किया वीडियो बनाना और वीडियो अपलोड करना लास्ट एक वीक में, एंड इट मेड मी रियलाइज यार मैं कितना लाइक यूज टू होता जा रहा हूँ इस प्रोसेस से, एंड आई एम लविंग इट। एंड एक मस्त बात ये कि मेरे को बहुत सारे लोगों के लाइक DM आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, भाई वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। इससे मुझे एटलीस्ट एक बात पता लग गई, एक हफ्ता भी अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूँ सो यू गाइज विल मिस मी, तो यस मुझे बहुत अच्छा लगा है जान के। सो गाइज, वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोग ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ विद माई क्लोथ्स ऑन, ठीक है, मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ, फिजिक अपडेट लेंगे। सो मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन में देख रहा हूँ, चेस्ट आ रही है बाहर मस्त वाली, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शोल्डर्स देखो फाड़ लग रहे हैं, ट्राइसेप्स, आर्म्स, मतलब ऑल टुगेदर बहुत सही लग रहे हैं, एंड बैक से भी आई थिंक आई एम लुकिंग वाइड। सो मैं ये कह सकता हूँ कि कपड़ों में आई लुक काइंड ऑफ ओके, मतलब ठीक है, कोई बंदा शायद देख के बोल सकता है जिम जाता है या नहीं भी, तो कोई मुझे मोटा या फिर भद्दा नहीं बोलेगा एटलीस्ट। सो गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम एक्चुअली अ बिट एम्बेरेस्ड अबाउट अपलोडिंग दिस वीडियो, ऑल्दो मैंने हमेशा ही ट्राई किया है कि मैं पूरा ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट रहूँ आप लोगों के साथ, बट स्टिल उसके बावजूद भी मुझे थोड़ी सी एम्बेरेसमेंट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिल से आ रही है बात। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, कि लास्ट ईयर मार्च में ही मैंने अपना कट एंड किया था और अपनी पूरी श्रेडेड फिजिक का अपडेट दिया था, यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करी थी, एंड पूरा लाइक कट का एंड था वो मेरे लिए। एंड उसके बाद लाइक कपल ऑफ वीक्स मैंने वो अपनी फिजिक मेंटेन करी, एंड उसके बाद आई प्लान्ड ऑन कि मैं एक बल्क करूँगा, प्रॉपर लीन बल्क करूँगा और एक लंबा बल्क करूँगा। एंड अब मार्च आ गया 2019, एक साल हो गया उस बात को, एंड आई हैव बल्ड अप लाइक वेरी मच बल्ड अप। तब मेरा वेट 76-77 था से एंड किया था मैंने अपना कट, और टुडे आई स्टैंड एट रफली अराउंड 90 किलोज़। सो आई हैव बिकम अ फैट फक। सो आपको ऐसे आइडिया लगे पहले फिजिक अपडेट देना पड़ेगा, तो देखो। तो भाई इस टाइम आ गया है कि मैं आपको अपनी फिजिक दिखाऊं, और मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही है इसलिए मैं छुपा हुआ हूँ, बट दिखानी तो है ही। सो दिस इज माई फिजिक राइट हेयर, दिस इज द फैट मोहित, दिस इज मोहित बेस्ट एट 90 किलोज। एंड मैं आपको बता दूं मैं कभी भी इतना हैवी नहीं हूँ अपनी लाइफ में, सो दिस इज द हैवीएस्ट आई हैव बीन। और पूरी फिजिक देखोगे तो चेस्ट में आई थिंक आई हैव मेड सम गेन्स, ऑब्वियसली फैट है देखो यहाँ पे पूरा लाइक हेयर फैट है अभी चेस्ट में, बट स्टिल आई कैन फील दैट सम इम्प्रूवमेंट है मेरी चेस्ट में, एंड यहाँ से पूरी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो जब मैं श्रेडेड होऊंगा तब मैं और अच्छे से लाइक एनालाइज कर पाऊंगा, और पूरी बॉडी ठीक है यार, मतलब क्या बोलूँ, बट ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया ने गंद मचाया हुआ है, मतलब फुल बदसूरती की, जो अगर आपको बदसूरती का भी एग्जाम्पल देना है तो आप मोहित का पेट बोल सकते हो, प्योर बदसूरती। देखो साइड्स में फैट पूरा लोअर बैक तक जाता है, एंड क्या यार ये ऐसे मन कर रहा है कि काट दूँ इसको, ऐसे कैंची लेके काट दूँ, बट ठीक है यार कोई नहीं। अब आपको दिखाता हूँ अपना ट्राइसेप शॉट्स, ट्राइसेप्स आर लुकिंग डिसेंट, फैट है बट नॉट टू मच। एंड बाइसेप्स में अगर आप देखोगे अभी भी आई कैन सी माई वेन्स, तो मेरे आर्म्स में बहुत ज़्यादा फैट नहीं आता है, मैक्सिमम फैट मेरी बॉडी में मेरे एब्डोमेन पे चढ़ता है और लोअर बैक साइड्स, ये बहुत प्रोन एरिया। मेरी लेग्स भी देखोगे, एक सेकेंड थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए, तो लेग्स देखोगे लेग्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड, एंड लेग्स पे भी मेरा बहुत एक्सेसिव फैट नहीं चढ़ता है, मेरे को मैक्सिमम फैट मैंने आपको बताया मेरे इस एरिया में आता है। मैं आपको बैक शॉट दिखाता हूँ, सो गाइस दिस इज हाउ माय बैक लुक्स, एंड बैक में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, बट अभी भी बहुत लाइक एक्सेसिव फैट है, स्पेशली लाइक लोअर बैक में देखोगे यहाँ ये एरिया ने गंद मचाया है, काश मैं इसके ऊपर दिखा पाता, इसके ऊपर भी फैट है काफ़ी, बट नॉट कि गंद मचे, बट नीचे जो एक गंद मचा हुआ है दिस इज टू मच, मतलब आई कैन सी दैट बहुत अलग ही लेवल की बदसूरती मच रही है इससे, बट दिस इज माय बैक। थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, लैट स्प्रेड, बैक डबल बाइसेप, सिंगल बाइसेप से एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो सिंगल बाइसेप। अब आर्म्स फ्लेक्स करके दिखाता हूँ, देखो आर्म्स आर स्टिल लुकिंग डिसेंट, मतलब डिसेंटली लीन, बहुत लीन नहीं है
बट ठीक ठाक लग रहे हैं. दिस इज़ द वर्स्ट लुक मेरे हिसाब से जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करा है. बट बींग ऑनेस्ट नाउ इट्स टाइम टू चेंज दिस एंड गेट श्रेडेड. सो आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी विद यू. एंड एक और चीज़ आप देख सकते हो मेरी बॉडी में यहाँ पे ब्लैक मार्क है. सो दिस इज़ लाइक अ बॉडी मार्क. एंड कभी ऐसा हो कि मेरा कोई हमशक्ल आ गया बोले कि मैम हुई तू और मैं बोल रहा हूँ नहीं मैम हुई तू तो आप इसके थ्रू लाइक पता लगा सकते हो. बट यार मेरे हमशक्ल ने भी वीडियो देख ली होगी तो वो भी स्केच पेन से लगा देगा तो आप मतलब पानी से मिटा के देखना तो जिसका नाम मिटा वो असली वो होता है. यस सो लास्ट फ्लेक्स एक बार ढंग से फ्लेक्स कर. एब्स बैक. आई एम नॉट लुकिंग गुड. आई थिंक पीपल आर गोइंग टू रोस्ट मी इन द कॉमेंट्स. ठीक है तो जब मैं कट कर लूँगा तो फिर उन लोगों को मैं रोस्ट करूँगा. सो एक्चुअली यू गाइस आई वांट यू गाइस टू रोस्ट मी इन द कॉमेंट्स बिलो ताकि मैं कॉमेंट्स को लेके जब मैं कट खत्म कर लूँगा तब मैं स्टाइल मारूंगा. तो अगर आपको रोस्ट नहीं भी करना तो प्लीज़ आप कर सकते हो. आई डोंट माइंड. लेग्स फिर भी ठीक लग रही है. आई थिंक आई मेड सम लेग गेंस. और एक पोज ऐसे भी लेते हैं बिना किसी फ्लेक्स के. सो दिस इज मी नॉर्मल. ये पेट बाहर निकाल के देखो कितना पेट बाहर निकल रहा है. चलो कोई नहीं इट विल चेंज फॉर श्योर. सो बाय. सो गाइस जैसा मैंने बोला था बहुत ही गंदी फिजीक एंड एम्बैरेसमेंट इसलिए थी मुझे ये वीडियो बनाने में. बट चलो एक दिल का बोझ हल्का हो गया फिजिक दिखा रही क्योंकि दिखानी ज़रूरी भी थी यार. मैं फिटनेस ब्लॉगर हूँ तो ये सब बनता है ये काम. एंड देखो पहली बात ये देखो ऊपर मैंने अपना फ़ोन फंसाया हुआ यहाँ पे ताकि थोड़ी सी लाइट आ सके तो छोटे मोटे से जुगाड़ करने पड़ते हैं. अब आते हैं मुद्दे पे. ठीक है हम ऐसे फिटनेस जैसे मैं आपको फिटनेस एंथुसियास्ट या आप फिटनेस एंथुसियास्ट बोलते हो जैसे मैं फिटनेस यूट्यूबर बोलता हूँ तो फिटनेस का लाइक हमारे लाइक मन में मीनिंग क्या है मतलब हम फिटनेस को डिफाइन कैसे करते हैं. तो नंबर वन चीज़ जो हम फिटनेस को डिफाइन करेंगे वो आता है कि भाई एस्थेटिक्स लुक्स. ठीक है नहीं दूसरी होती है. अरे चुप रहा है. लुक सबसे पहली चीज है लुक्स. अगर ये बंदा दिखने में सही है लीन है थोड़ी सी मसल्स लाइक पॉप आउट हो रही है दिखने में सही थोपड़ा नहीं शरीर. हाँ शरीर ऑब्वियसली मतलब एब्स वगैरह आ रही है तो बंदा फिट है. तो सबसे पहले जो पार्ट आता है फिटनेस का जो हम जो परसीव करते हैं वो है एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स मीन्स लुक्स कितना सही लगता है बंदा. तो उस पैरामीटर के हिसाब से तो भाई मेरे को आप शायद फिटनेस लाइक ब्लॉगर तो आप नहीं बोलोगे क्योंकि आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड एंड दिस इज नॉट माई बेस्ट लुक. तो वहां मैं हार गया मतलब वहां मेरे को नंबर नहीं मिले. ठीक है सो अगला फैक्टर आता है स्ट्रेंथ. एंड जिम हम जाते हैं हम लोग अच्छा दिखने के लिए तो जाते ही हैं प्लस हम वेट उठाते हैं तो उससे हम स्ट्रॉन्ग भी होते हैं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में कई बार देखा ही होगा मैं वेट लिफ्टिंग अपनी दिखाते रहता हूं. तो स्ट्रेंथ वाइज यू हैव सीन मी आई हैव बीन लिफ्टिंग डिसेंटली हैवी वेट. तो मैं अपनी स्ट्रेंथ लेवल से सेटिस्फाइड हूँ ऑब्वियसली विद टाइम इन माय लाइफ जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आई विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर. सो उससे अगला फैक्टर आता है स्पीड और एजिलिटी. आप लोगों ने मुझे कई बार मेरे चैनल पे मैंने दिखाया हुआ देखा होगा कि मैं फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ तो वहाँ पे जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ वहाँ पे मुझे स्पीड और एजिलिटी की जरूरत पड़ती है. स्पीड होगी कि मैं कितनी तेज भाग सकता हूँ एक डायरेक्शन में और एजिलिटी होगी कितनी फुर्ती है मतलब क्योंकि फुटबॉल खेल रहा हूँ या कोई भी स्पोर्ट खेल रहा हूँ उसमें भागा इधर हुआ फटाफट फुल स्पीड में ऐसे ऐसे करा. तो मतलब ये फुर्तीपना स्पीड और एजिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो जैसे जिम में हम ये चीज़ें टेस्ट नहीं कर पाते बट आई मीन मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ मेनली फुटबॉल दीज डेज तो वहाँ बहुत जरूरी है. एंड मेरी फिटनेस जर्नी स्पोर्ट्स से ही शुरू हुई थी तो दिस इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस द नेक्स्ट थिंग इज एंड्योरेंस. और हम जो लोग भी वेट लिफ्टिंग करते हैं हम लोग क्या है चलो मैं अपनी बात करता हूँ यहाँ पे सिर्फ मुझे नहीं पता आप लोग कैसे ट्रेन करते हो लेकिन हम मैं क्या था पिछले लाइक एक साल से कुछ से 1-10 रेप रेंजेस के बीच में लाइक टारगेट करता था. लास्ट सेट हो गया 1 रेप मैक्स हो गया तो 1-2 रेप्स उसमें जा रहा हूँ और पहला सेट हो गया उसमें 8-10 रेप्स में टारगेट कर रहा था. बट एंड्योरेंस के लिए अगर आप लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर एंड्योरेंस एंड्योरेंस का मतलब करते हैं एंड्योरेंस बेसिकली मीन्स स्टैमिना. एक पर्टिकुलर वेट पे आप कितनी मतलब कितने ज़्यादा रेपिटेशंस कर सकते हो कितनी ड्यूरेशन तक आप वो वेट होल्ड कर सकते हो दैट्स एंड्योरेंस. तो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ 10-12 रेपिटेशन से ऊपर मैं नहीं जाता पिछले एक साल से बट इस कट में आई फोकस मोर लाइक सम वर्कआउट्स में कि मैं ज़्यादा रेपिटेशन करूँ. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी कॉम्पाउंड मूवमेंट्स है जैसे स्क्वाट्स हो गया बेंच हो गया लाइक शोल्डर प्रेस हो गया उसमें ट्राई टू अवॉइड लाइक बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस बिकॉज बहुत हैवी रेपिटेशंस जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं फॉर्म ऊपर नीचे हो सकती है और कंपाउंड मूवमेंट्स में इंजरी होने के चांसेस होते हैं. लाइक आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे फ्लाई हो गया लाइक जैसे ये हो गया साइड रेजेस वगैरह हो गया तो उसमें यू कैन डू इट. तो ये है 12.5 का डंबल और मैं कह रहा हूँ साइड रेजेस आई टारगेट फॉर कितने रेप्स करूँ बता 12. अबे चल 16 तो करूँ. 12 तेरे को काज इतनी है देखते हैं.
चीजें उगाते हैं? 16 बोला था मैंने। थोड़ी बहुत फॉर्म खराब हो रही है, देखो मेरी कल दोबारा बनानी पड़ेगी, तेरे मैं थप्पड़ मार दूंगा। सो गाइस लास्ट पैरामीटर जो है जो रह गया, और एक सेकंड जैकेट पहन लो यार, ओपन में सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दिस इज समथिंग वेयर आई सक एट। फ्लेक्सिबिलिटी पे मैं वर्क कर रहा हूँ कुछ टाइम से, बट वो एक लाइक लैगिंग पार्ट है जिसमें मेरे को लाइक इम्प्रूव करना है। सो वर्कआउट के बाद लाइक वैसे तो हर वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, पर स्पेशली मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ की, स्पेशली माई हैमस्ट्रिंग्स एंड माई ग्लूट्स, यहाँ पे मुझे काफ़ी वर्क करना है। यू नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स, मेनली गर्ल्स ही देखी मेरे जिम में जो मस्त फुल स्प्रिंट वगैरह मार रही होती हैं, एंड वो देख के बड़ा सही लगता है। तो मेरे को लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट लेटली, तो दिस इज द स्ट्रेच आई एम क्या कर रही है। अच्छा जूते के वजह स्ट्रेच आई एम प्रैक्टिसिंग, इससे क्या है मेरी पूरी हैमस्ट्रिंग लाइक स्ट्रेच हो रही है दोनों साइड की। बेसिकली द गोल इज मुझे फुल स्प्लिट करना है। ऑब्वियसली लाइक 3-4 महीने के गैप के अंदर मुझे नहीं लगता मैं पूरा फुल स्प्लिट मार पाऊंगा, बट मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड आई विल गेट गुड एट इट फॉर श्योर। सो थोड़ी इस पर मेहनत करनी है। सो गाइस अब जो बात ऐसी है कि मेरे को अब मैं एनालिसिस करूँगा कि पिछले एक साल में हुआ क्या। तो मेरा लाइक रफली अराउंड 14-15 किलोज गेन हुआ, एंड मैंने जो प्लान किया था मैं लीन बल करूंगा, तो मेरा 14-15 किलोज से थोड़ा कम था वेट गेन का टारगेट, बट 14-15 किलोज हुआ, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन लग जाएंगे कि भाई तेरा इसलिए वेट गेन हुआ, अरे तेरा इसलिए हुआ, भाई तूने ना रात को 11:55 पे ना तूने चावल खाए थे, तेरा इसलिए वेट गेन हुआ पूरा 15 किलो। तो मुझे पता है लाइक ऐसे कॉमेंट्स आएंगे कुछ ना कुछ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि वेट गेन जो मेरा हुआ है या अदरवाइज भी आपके साथ जो वेट गेन होता है लाइक लंबा बड़ा वेट गेन, तो ऐसे नहीं कि भाई एवरीडे हो रहा है, आज आपने ये खाया ये हो गया, एक रीज़न से ये हो गया। इट्स लाइक इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड मैं जो था, मैं एवरी वीक अपना वेट चेक कर रहा था, मेरे जिम में वेइंग मशीन है, तो मैं अवेयर था मेरा वेट गेन हो रहा है। ऐसा नहीं है मेरे साथ कोई मैजिक नहीं हो गया, मेरे को पता था मेरा वेट गेन हो रहा है, एंड इट वॉज अ डिलिबरेट मूव। ऑल्दो मैंने लास्ट के लाइक पहले 6 महीने तो मैंने लाइक कह सकते हैं क्लीन रखा 1-2 चीट मील्स पर वीक, बट बाद में गन मचा। आई एग्री, आई ओन टू एवरी गन जो मैंने मचाया, मैंने चैनल पे भी दिखाया है, मैंने कुछ एज सच कुछ छुपाया नहीं कि भाई मैं क्लीन खा रहा हूँ लेकिन पीठ पीछे फुल कैसे चल रहा है, मैंने सब दिखाया आपको। एंड और स्पेशली लाइक लास्ट जनवरी में सौरभ भी आया था, तो उसके साथ तो एवरी डे आई वॉज ईटिंग आउट, सो गन मचा है एंड उसका रिजल्ट आपको दिखाई दिया है। सो गाइस देखो, मैं मोटा बब्बा हो चुका हूँ, आई एग्री, मैं मोटा भसंड आदमी हो चुका हूँ, एकदम भद्दा, बिल्कुल अच्छा लग रहा, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इस एक साल में वेट गेन तो किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी मेनली फुटबॉल, वो भी मतलब कंटिन्यू रखी, और हफ्ते में 2-3 बार मैं फुटबॉल खेल रहा था मस्त, 1-1.5 घंटा वैसे। एंड उससे क्या हुआ, मेरा स्टैमिना वगैरह सब स्पीड स्टैमिना इम्प्रूव हुआ, एंड मुझे ना लाइक मोटा सा नहीं फील हो रहा भागते हुए, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर रहा हूँ, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा जब मैं खेल रहा होता हूँ। एंड 90 किलोज में पहली बार इतना हैवी हूँ, सो दिस इज़ द हैवीएस्ट आई हैव बीन। एंड 2017 में मैंने इससे पहले बल्क किया था, और उस टाइम में 84 या 85 तक गया था, एंड उस वेट में मेरे को अनकंफर्टेबल फील होने लग गया था, मतलब बहुत भारी भारी सा, समझ रहा, जो अगर आप जिसने बहुत वेट गेन किया उसे समझ आएगा कि मतलब भागते हुए ऐसा लग रहा है कुछ मैं बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर रहा हूँ, यहाँ से चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग फाइन। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो मस्त खेलता हूँ, मतलब गोल वोल भी मारता हूँ। एंड एनी विच वेज मैं अपना कट स्टार्ट करने वाला ही था, बट मुझे एक ड्राइव मिली एकदम से टू स्टार्ट माई कट सून, बिकॉज मैं अभी अपने फ्रेंड से जिम में अपने लाइक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए एक वीडियो बनवा रहा था, एंड उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो मेरे साइड्स का जो फैट है वो बहुत प्रोमिनेंटली लाइक विजिबल है, और मेरे को ना ये चीज़ थोड़ा अनकंफर्टेबल करने लग गई है कि क्योंकि मेरे कुछ जिम क्लोथ्स में जो टाइट है थोड़े से, उसमें मेरा साइड का फैट है वो थोड़ा मतलब बाहर आ रहा है ऐसे, मतलब चर्बी होती है ना कि चरबाड़ा कहते हैं इसको, मतलब हम सारे फ्रेंड्स चरबाड़ा कहते हैं, क्योंकि पता नहीं इसको देख के ऐसा लगता है इसको चरबाड़ा होना चाहिए, तो ये बाहर आने लग गया, तो दिस इज़ मेकिंग मी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल। एंड दिस इज़ कम्प्लीट ट्रांसपेरेंसी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे को क्या फील हो रहा है। सो मेरे को ऐसा लग गया कि भाई मोहित इट्स टाइम टू कट, एंड आई एम गोना गेट श्रेडेड, एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो वट आर योर थाट्स, या आगे आप कौन से वीडियोज़ देखना चाहते हो। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे फुल डे ऑफ ईटिंग, तो वो तो आएगी, वो तो है ही, बट और भी कुछ सजेशन है तो। सो इट्स 4:30 AM राइट नाउ, और आज ही वीडियो भी आ जाएगी है, सो
आई एम वर्किंग, एक हफ्ते से वीडियो डाली तो उसके लिए कॉम्पनसेट भी करना है. अब बैक टू बैक अपलोड्स. सो बाय, दिस इज मोहित बिष्ट.